दोस्तों दुनिया की सबसे छोटी हवाई यात्रा वाली जगह स्कॉटलैंड में है। ये यात्रा स्कॉटलैंड के दो टापू वेस्ट्रो और पापा वेस्ट्रो के बीच की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइट केवल 2.7 किलोमीटर की है। लोग केवल इस छोटी सी दूरी को तय करने के लिए प्लेन का उपयोग करते हैं। ये पूरी यात्रा टेक ऑफ और लैंडिंग तक लगभग सिर्फ 80 सेकंड में पूरी हो जाती है। आपके मन में सवाल होगा कि लोग फ्लाइट का यूज करते ही क्यों है। असल इन दोनों टापुओं के बीच कोई पुल नहीं बना हुआ है, इसलिए लोग प्लेन का उपयोग करते हैं। और आपको पता ही होगा कि प्लेन का सफर कितना महंगा पड़ता है, लेकिन यहाँ की सरकार अपने नागरिकों को परेशानी समझकर उन्हें किराए में छूट देती है। और यहाँ जिस विमानों का उपयोग होता है वो बड़े नहीं होते हैं, बल्कि वो छोटे होते हैं, जिनमें कुल 8 लोगों की बैठने की जगह होती है। इसे 8 सीटर प्लेन भी कहते हैं।